बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू स्पेशल खाने। आज मैं आपके साथ समनक या फिर जिसे अंगूरी भी कहते हैं, घर में बनाने का तरीका स्टेप बाय स्टेप शेयर करने वाली हूँ। समनक को हम अपनी कंट्रीज में जैसे इंडिया में, पाकिस्तान में तो बहुत आसानी से बाई कर सकते हैं, लेकिन जिन कंट्रीज़ में ये अवेलेबल नहीं है फिर बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम बहुत सारी चीज़ों को चाहें भी तो हम इसके बगैर बना नहीं सकते। मैंने कुछ देर पहले कड़क सोन हलवे की रेसिपी आपके साथ शेयर की थी। मेरे बहुत से प्यारे से व्यूअर्स और मेरे सब्सक्राइबर्स जो हैं, ये मुझे बार बार क्वेश्चन कर रहे थे कि उनको समनक जो है वो मिल नहीं रही, तो समनक को वो कैसे घर में बनाएं। तो मैंने फिर सोचा आज फिर इस समनक को मैं घर में जिस तरह मैं तैयार करती हूँ उसी तरह आपके साथ शेयर करूँ। तो चलिए आइए जल्दी से समनक को या फिर अंगूरी को बनाना शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और साथ में जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी से आप तक पहुँचे। यहाँ पर हमारी गंदम है, मैंने 2 कप भर के जो हैं वो गंदम के ले लिए हैं। अब हमने क्या करना है, इसको अच्छे से वॉश कर लेना है। हमने इसको 2-3 दफ़ा पानी जो है ना इसका निकाल कर इसको अच्छे से वॉश कर लेना। पहले वाला ऐसे पानी हम निकाल लेंगे। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर पानी जो है ना वो डाल लेना है। 3 दफ़ा मैंने इसमें से पानी जो है वो निकाल दिया था। अब हम इसको रख देंगे ढककर तकरीबन 24 आवर्स के लिए, यानी कि 1 दिन और 1 रात के लिए। तो मिलते हैं फिर हम 24 आवर्स के बाद। अब गंदम को हमें भिगोए हुए 24 आवर्स हो गए हैं, तो ये सेकेंड डे है। अब हम इसको देखते हैं, आप यहाँ पर देख सकते होंगे कि पानी के ऊपर हल्के हल्के से बबल से आ गए हैं और पानी का कलर भी थोड़ा सा जैसे है ना वो मैला सा हो गया है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसका ये वाला जो पानी है इसको हमने ऐसे निकाल लेना है। इस तरह का अब ये कुछ ना हो गए हैं, दाने इस तरह के जैसे फूल से गए हैं, सॉफ्ट भी हो गए हैं ये थोड़े से। अब हमने इसको फिर से वॉश कर लेना है। दो तीन दफ़ा हमने पानी फिर से इसका जो है ना वो निकाल लेना है। इस तरह हमने करना है। ये 3rd टाइम मैं इसका पानी जो है ना वो निकाल रही हूँ, ऐसे निकाल रही हूँ। पानी सारा हमने निकाल लेना इस दफ़ा। इस तरह हमने कोई कपड़ा ले लेना है, चाहे आप मलमल का कपड़ा ले लें, कॉटन का कपड़ा ले लें। इसको हमने अच्छे से वेट कर लेना है, हल्का सा हमने इसको ऐसे पानी निकालना है। थोड़ा सा इसके अंदर पानी जो है ना नमी इसकी, और थोड़ा सा पानी इसके अंदर रह जाए फिर हमने क्या करना है। तो अगर आपके पास ज़रा मोटा कॉटन है तो फिर आप उसको डबल करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये मेरे पास ज़रा पतला है इसलिए मैं इसको डबल करके अब हमने इसके ऊपर ये इसको दे देना है। ऐसे ढक देनी है गंदम अच्छे तरीके से, हमने सारी साइडों पर हमने इसको कवर कर दिया। 4 से 5 घंटे के बाद इस तरह हमने पानी लेना है, फिर हम इसके ऊपर ऐसे छींटे लगा देंगे ताकि फिर से ये जो है ना जो हमारा टावल ऊपर हमने इसको दिया है वो वेट हो जाए, ड्राई ना हो। वेट रखना है टावल को, बहुत ज़्यादा भी नहीं रखना कि ये बिल्कुल पानी के साथ ये गंदम भरती जाए, लेकिन ये है कि इसको उठाकर आप वैसे भी वेट करके निचोड़ कर दोबारा दे सकते हैं। आप चाहें तो आप इसको इस तरह छींटा भी दे सकते हैं। तो आपने क्या करना है, उतनी देर तक हमने ये अमल को दोहराते जाना है जितनी देर तक इन गंदम के दानों में से एक छोटा सा पौधा ना निकल आए।
एक स्टेम्स ना निकल आए, यानी कि ये फूट ना जाए, वो मैं आपको दिखाऊंगी किस मरहल तक हमने इसको इसी तरह वेट करके छोड़ देना है। 5-5 घंटे के बाद मैं इसी तरह इसको ना ऊपर से वेट करती जाती हूँ, ताकि ये जो कपड़ा है ना ये गीला रहे और इसकी जो नमी के साथ है ना वो हमारे वीट के जो है ना वो स्प्राउट्स निकलें। अभी वीट्स के स्प्राउट्स जो है ना वो निकलना शुरू हो गए हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते होंगे कि वाइट वाइट से भी जो है ना ये नज़र आना शुरू हो गए हैं। अभी इसका ये फर्स्ट डे है, तो अभी सेकंड डे का भी पूरा दिन हमने इसको देना है। बस ये आपको ध्यान रहे कि हमने पानी का छींटा लगाते जाना है। अब गंदम को जो हमने कपड़ा जो है ये वेट करके इसके ऊपर दिया था, इसको 3 दिन हो गए हैं। अब यहाँ पर देखें सारे स्प्राउट्स जो है ना वो वीट में से निकल आए हैं। हर वीट के दाने के साथ एक पौधा जो है वो निकल आया है। इस तरह करके भी मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर आप देखें सारे जो वीट्स हैं ना वो कितने अच्छे सारे इसके जो है ना वो स्प्राउट्स निकल चुके हैं। इनके अंदर से एक स्टेम सी निकल आई है, बिल्कुल अब ये जैसे जुड़ सा गया है, एक पार्ट बन गया है, क्योंकि गंदम के फूलने से इसके अंदर एक जैसे लेसी पैदा होती है, तो वो काफ़ी जैसे स्टिकी सी होती है। इसको मैं आपको सेपरेट करके भी दिखाती हूँ। खोल लेना क्योंकि ये अब जुड़े हुए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी जो लेंथ है ना तकरीबन 1 इंच है, और कईयों की तो 1-1.5 इंच के करीब तक भी हो गई है। ये अब हमारी समनक जो है वो बन गई है। अब हमने इसको गुच्छे में से ऐसे ये गुच्छा सा एक बन गया, इनको सेपरेट कर लेना है। जब ये सारे सेपरेट हम कर लेंगे तो फिर हमने इसको अच्छे से वॉश कर लेना है, क्योंकि जब ये स्प्राउट्स निकलते हैं, हमने 3 दिन हमें लगे हैं इनको निकालने के लिए, तो पहले भी हमने 24 आवर्स के लिए इसको भुगोया था, तो काफ़ी दिन हो गए हैं अब इसको, तो इनके गंदम के अंदर से एक स्मेल सी पैदा हो जाती है, जो हमने अच्छे से जब हम वॉश करेंगे तो फिर वो निकल जाती है। हमने किसी छनने के अंदर इसको निकाल लेना, ताकि हम जब इसको वॉश करें तो पानी नीचे से जो है वो निकलता जाए। पानी को लगते ही ये सेपरेट हो जाते हैं। आप भी ऐसे पानी के अंदर इसको करके ना ऐसे टैप के अंदर आपने इसको सेपरेट कर लेना है। अच्छे से हमने वॉश कर लिया समनक को, इस तरह हमने को बर्तन नीचे रख लेना, तो इसको हमने इसके ऊपर रख देना है, ताकि अच्छे से जो पानी है ना इसका ड्रेन हो जाए। तकरीबन 1/2 घंटे से 1 घंटा तक हम इसको इसी तरह पड़ा रहने देंगे, फिर हम इसको धूप में लेकर जाएंगे ड्राई होने के लिए। अब यहाँ पर हम गार्डन में आ गए हैं। इस तरह मैंने एक टेबल के ऊपर एक ट्रे को रख लिया, उसके ऊपर हमने एक ऐसे मलमल का कपड़ा बिछा लिया। अब इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं है, हमने पानी को ड्रेन कर लिया था। अब हम इसके ऊपर ऐसे इसको बिछा देंगे और धूप इसको हमने लगानी है। ज़रा पतला पतला करके बिछाना है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बिछाना। अगर हमने ज़्यादा मोटा बिछाया सूख तो फिर भी ये जाएगा, लेकिन फिर ज़्यादा जो है ना इसको टाइम चाहिए। ये वाली जो थोड़ी सी हमारे पास थोड़े से वीट स्प्राउट्स हैं, इनको मैं जो है आपको दूसरे वे ड्राई करके दिखाऊंगी। आप यहाँ पर क्लोजली देख सकते हैं मैंने किस तरह इसको बिछा लिया है। सेकंड मलमल का कपड़ा ले लिया है, ये हम इसके ऊपर ऐसे इसको कवर कर देंगे और इसको हम सारा दिन धूप में पड़े रहने देंगे। हमें इसको 2 दिन की भी धूप हम लगवा सकते हैं या 3 दिन की भी, डिपेंड करता है कि धूप कितनी स्ट्रॉन्ग है। कभी तो ये 2 दिन में ही ड्राई हो जाएगी और कभी इसको 3 दिन लग जाएंगे। तो जब ये ड्राई हो जाएगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी इसको। अब ये वाली समनक जो हमने बचा ली थी, मैंने आपको दिखाना था कि जब विंटर के दिन होते हैं तो मैं इसको समनक को जब ड्राई करती हूँ तो मैं किस तरह घर के अंदर इसको ड्राई करती हूँ, तो वो ये है कि मैंने वॉक के अंदर रेत को ले लिया है, अच्छे से रेत को मैंने गर्म कर लिया है।
यहाँ तक कि इसकी जो शिद्दत है ऐसे है जैसे एक तेज़ धूप के अंदर जब हम जाते हैं या अपना हाथ करें तो उतनी सी शिद्दत मेरे हाथ को महसूस हो रही है। अब मैंने फ्लेम को कर लेना है लो पर और इसके ऊपर फ्लैट सी हमने एक सिव ले लेनी है, कोई सी भी आप ले सकते हैं। तो इस तरह मैंने इसके ऊपर रख लिया और ये वाली जो समनक देखें आप देख सकते हैं कितनी अभी ये गीली है, ऐसी पतली सी लेयर्स इसके ऊपर ऐसे बिछा देनी है, थोड़ी थोड़ी करके हमने ऐसे डाल देनी है। आप चाहें तो आप इसको अवन के अंदर भी ड्राई कर सकते हैं, अवन के अंदर जो है वो इतनी अच्छी सी ये ड्राई नहीं होती, जलने का भी डर होता है। इस तरह बहुत ही अच्छे तरीके से आसानी से हम जो है ना इसको ड्राई कर लेते हैं। अब हम इसको इसी तरह ड्राई करते जाएंगे, कपल ऑफ आवर्स हमें इसी तरह इसको ड्राई करने में लगेंगे, लेकिन इसका रिज़ल्ट भी बिल्कुल जैसे सन में ड्राइड हमने की है ना दूसरी वाली समनक उसी तरह का आपको मिलेगा। जब इसको ड्राई होते हुए तकरीबन एक घंटा हो जाएगा फिर हम इसको थोड़ा थोड़ा करके इस तरह कोई स्पून के साथ इसको हल्का हल्का सा इसकी जो साइडें हैं ना ऊपर नीचे को ऐसे करके चेंज करते रहेंगे अंटल के ये फुली ड्राई हो जाए। अगर आपके पास रेत अवेलेबल नहीं है तो फिर आप सॉल्ट भी ले सकते हैं, आप फिर सॉल्ट को या रेत को रीयूज़ भी कर सकते हैं, जितनी मर्ज़ी चाहें आप इसको इसके ऊपर जो है ना वो समनक को ड्राई कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो हमारी समनक रेडी हो गई है बिल्कुल ये ड्राई हो गई है, इसकी आप आवाज़ भी आप सुन सकते हैं, ये वो वाली समनक है जो हमने सन के अंदर ड्राई की थी। अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे, दरदरा सा ही रखना है मैंने, आप चाहें तो आप इसी तरह भी ना किसी जार के अंदर डालकर सेव करके रख सकते हैं, जितनी फिर आपको ज़रूरत पड़े तो आप उसको फ्रेशली जो है ना वो इसको ग्राइंड करके तो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें माशाल्लाह कितना अच्छा हमने अपने समनक को घर में ही तैयार कर लिया है। अब मैं इसको आपको निकाल कर दिखा देती हूँ, अगर आपकी मर्ज़ी है आप चाहें तो इसको ज़्यादा पाउडर फॉर्म में भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे इसी तरह की चाहिए तो मैं इसको इसी तरह रखूँगी। ये वाली वही समनक है जिसको हमने रेत के ऊपर सिव रख कर ड्राई किया है, इसको भी हमने इसी तरह जो है ग्राइंड कर लेना है। इसको भी हम इसी के अंदर निकाल लेंगे। यहाँ पर देखें कितनी अच्छी हमारी समनक बन के तैयार हुई है। मैंने आपको दोनों तरीक़ों से ही बता दिया है कि सन के अंदर इसको कैसे ड्राई करना है, और अगर सन अवेलेबल ना हो क्योंकि सर्दियों में जब मुझे बनाना होता है तो मैं इसी तरह बनाती हूँ ये। मुझे उम्मीद है कि आज की ये मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी और आपके लिए बहुत यूज़फुल भी होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर करें मेरी इस वीडियो को अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।